रामगढ़ विधानसभा सीट से साफिया जुबेर कांग्रेस पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रही हैं, जो इन दिनों सघन जनसंपर्क अभियान में जुटी हैं। इस मौके पर क्या कुछ कहा साफिया जुबेर ने, हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा ने उनसे की खास बातचीत। रामगढ़ चुनाव में साफिया जुबेर खान कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, क्या मुद्दे लेकर वो जनता के बीच जा रही हैं और क्या समीकरण वो अपने पक्ष में देख रही हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, क्या मुद्दे लेकर जा रही हैं आप जनता के बीच और कितना शोर है अपनी जीत के प्रति? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हूं और कांग्रेस पार्टी जनता में जब चुनाव में उतरती है तो विकास और भाईचारे के नाम पे उतरती है और इन्हीं मुद्दों पे हम वोट मांगते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान ही विकास पर रहता है कि इसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा विकास करें। और यहाँ की जनता जानती है, जब जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही है तब तक विकास रामगढ़ में हुआ है। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ कोई कार्य नहीं कराए गए हैं, हालांकि महिलाओं को पानी तक पीने को नसीब नहीं हुआ है। मुझे लगता है आज की तारीख में जनता बहुत त्रस्त है और बहुत अच्छा माहौल 36 बिरादरियों में है कि वो एक बदलाव चाहते हैं, क्योंकि वो विकास चाहते हैं और बहुत मजबूती के साथ सभी समाज, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं। समीकरण क्या होंगे जो आपको लगता है कि आपके पक्ष में जाएंगे? पूरे विकास और भाईचारे के नाम पे पूरी जनता जुड़ रही है कांग्रेस पार्टी में, यही समीकरण है, समीकरण जनता ही बनाती है। ये जो क्षेत्र है इसमें राष्ट्रवाद, गो रक्षा, गो हत्या, इस तरह के मसले भी चुनाव में उछलते रहते हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार भी उस तरह के मुद्दे हावी हैं या पूरा जो है विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? इस बार रामगढ़ की जनता बहुत ही समझदारी से काम कर रही है और राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बन चुकी है, तो इस बार बस एक विकास का मुद्दा है और भाईचारे का मुद्दा है। यहाँ की जनता भी इस तरह के मुद्दों से परेशान हो गई है, तो अब सिर्फ विकास और भाईचारे का मुद्दा चल रहा है, उसी मुद्दों पे यहाँ की जनता वोट डालने वाली है। राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार बनी है उसका पूरा फायदा आपको मिलने वाला है यहाँ क्षेत्र में? मुझे नहीं, यहाँ की जनता को पूरा फायदा मिलने वाला है। जब सरकार बन गई है तो हर आदमी चाहते हैं हम सरकार में मजबूती के साथ जुड़े, ताकि उसी के माध्यम से ज्यादा विकास इनके यहाँ रामगढ़ में हो। तो ये थी साफिया जुबेर खान, जो रामगढ़ से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि ये जो मुद्दा इस चुनाव में रहने वाला है वो विकास का होगा और तमाम जो चीजें हैं जिनसे लोगों को बरगलाने की कोशिश की जाती है वो इस बार नाकामयाब साबित होंगी। कैमरामैन मानसिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18, रामगढ़। वहीं रामगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी से सुखवंत सिंह चुनावी मैदान में है और इन दिनों पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हैं। किस मुद्दे को लेकर सुखवंत सिंह चुनाव मैदान में हैं, हमारे संवाददाता ने की उनसे खास बातचीत की। रामगढ़ में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और राजनीतिक दलों ने अपनी ताल इसमें ठोक दी है। चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है और अब जो प्रत्याशी हैं वो जोर शोर से प्रचार करने में जुट गए हैं। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सुखवंत सिंह जी, वो हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करते हैं। किन मुद्दों को लेकर भाजपा इस चुनाव में उतरने जा रही है? मैं रामगढ़ विधानसभा में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है सबका साथ सबका विकास, उसको हम लेकर चल रहे हैं और राष्ट्रवाद को लेकर चल रहे हैं और मैं रामगढ़ में विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहा हूं। कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार बन चुकी है प्रदेश में और ये जो चुनाव है यहाँ पर जो लड़ा जा रहा है वो केवल भागीदारी का चुनाव है, कि यहाँ की जो जनता कांग्रेस को जिताए और एक सीट अगर उनको मिलेगी तो मजबूत होगी राजस्थान में कांग्रेस। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो सरकार का कोई असर नहीं है बनने का। रामगढ़ में जो मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है और ये कई बार पहले भी हो चुका है कि जिसकी सरकार है उसके खिलाफ ही चुनाव ये लड़ा गया। पिछली बार नसीराबाद और वैर में भारतीय जनता पार्टी की 163 सीटें होने के बावजूद भी कांग्रेस जीत गई, तो इस बार भी ऐसा कुछ नहीं है, सरकार का कोई असर नहीं है और हम चुनाव जीतेंगे। क्या समीकरण आपको लगते हैं कि आपके पक्ष में है इस सीट पर? मतदाताओं का आशीर्वाद है मुझ पर, स्थानीय हूँ मैं, क्षेत्रीय हूँ और पिछले 2 साल से ये मांग चल रही थी कि क्षेत्रीय उम्मीदवार हमारा होना चाहिए, उसको लेकर हम चल रहे हैं। गो रक्षा, गो हत्या, गो कसी, इस तरह के जो मुद्दे हैं इस चुनाव में ये हावी रहते हैं, इस बार भी आपको लगता है कि इन मुद्दों की कहीं गूंज सुनाई देगी? भाई, हम हिंदुत्व वाली विचारधारा से जुड़े हुए हैं, गाय हमारे लिए माता है, हम उसके खिलाफ कोई अन्याय होगा तो हम बिल्कुल खड़े हैं उसके साथ और जो गलत काम करेगा संविधान के अनुसार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव में उठाने वाले ये मुद्दा भी? चुनाव में हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन गौ माता हमारी माता है और उसका पूरा सम्मान है और गौ माता हम पूजते हैं सभी,
और उसको पूरा सम्मान के साथ हम जो गलत काम करेगा उसके हम संविधान के अनुसार जो भी होगा उसमें। कैमरामैन मानसिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18, अलवर।